हेलो दोस्तों, आई एम ऐश्वर्या। फाइन आर्ट हिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बादामी ट्रिप के पिछले व्लॉग में हमने पार्ट टू देखा, अब इस वीडियो में हम पार्ट थ्री देखेंगे। तो दोस्तों, हम चाय पीकर आ गए हैं पट्टेदकल ऐहोले से 13 किलोमीटर दूर। पट्टेदकल मालप्रभा नदी के तट पर कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक प्रसिद्ध विरासत स्थल है। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें बादामी और ऐहोले के साथ चालुक्य स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है। पट्टेदकल वो जगह है जहां चालुक्य राजाओं का राजनेता हुआ था। ये कर्नाटक के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ऐहोले के साथ पट्टेदकल को दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला के लिए घर माना जाता है। मुख्य परिसर में लगभग 10 मंदिर है और पट्टेदकल गांव के आसपास कुछ और मंदिर है। सभी स्मारक 6वीं और 9वीं सदी के बीच बनाए गए थे। पट्टेदकल मंदिर ऐहोले के शुरुआती चरण मंदिरों की तुलना में व्यापक कला कार्य के साथ बड़े और भव्य है। ऐसा लगता है कि चालुक्य ने अपने मंदिर निर्माण कौशल्य को ऐहोले में किए गए प्रयोगों के साथ बढ़ाया और पट्टेदकल में बड़े मंदिर बनाए। मंदिर विभिन्न वास्तुशिल्प शैलियों में बने हैं, जो द्रविड़ नागरा शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। पट्टेदकल में मुख्य स्मारक विरूपाक्ष मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, काशी विश्वेश्वर मंदिर और गलगाना मंदिर है। यहाँ के मंदिरों की सबसे अच्छी संरचना एक सुरक्षित परिसर के अंदर स्थित है, जिसमें पट्टेदकल गांव के नज़दीक बड़े परिसर और खुले क्षेत्र है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? फिर मिलेंगे वीडियो के फोर्थ यानी कि लास्ट पार्ट में, जो बहुत ही खास होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर।